आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रह्मांड से जुड़ी ही बातों का। मैंने इससे पहले ब्रह्मांड के बारे में एक पार्ट बनाया था, उसमें तारामंडल तक मैंने क्लियर किया था। आज के सेशन में उससे आगे का यानी उर्गास से बात करेंगे। हालांकि बीच में जो क्लासेस थे बंद थे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लासेस नहीं चल रही थी, ना ही इसका ना ही कंप्यूटर क्लासेस का। हालांकि अब से क्लासेस चली, ठीक है। तो ब्रह्मांड में अगर बात करें, लोग तारामंडल तक क्लियर करवा दिया था। तारामंडल क्या होती है, प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं, जब तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उनका क्या होती है, ब्रह्मांड में छोटे छोटे ऐसे पिंड होते हैं जो कि उपग्रहों, ठीक है, उपग्रहों का चक्कर लगाती है। यहां पर करेंगे जो उपग्रहों, ठीक है, ग्रहों का चक्कर, ठीक है, चक्कर लगाती है। पिंड होते हैं ब्रह्मांड में जो उपग्रहों का चक्कर लगाती है, और ये क्या करती है, जलकर, ठीक है, और ये अपना मार्ग भटक जाती है, इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ये चक्कर लगाती है, कहीं पर एस्ट्रॉइड है वो संपर्क में आने पर जो स्पेस में आती है ना, स्पेस में ऐसे कुछ जगह होती है, वहां पर ऐसे गैसेस होती हैं, उस एरिया में आने पर वो जलने लगती है और जल के अपना रास्ता भटक जाती है, ठीक है। तो भटकने की वजह से, और ये क्या करते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाती है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और ये क्या कहलाती है, उल्का कहलाती है, ठीक है। और ये चक्कर लगाते लगाते, ठीक है, लगाते लगाते जलकर नष्ट हो जाती है, ठीक है, नष्ट हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये जलकर नष्ट हो जाती है, क्या मैंने बताया, यहां पर ये जलकर नष्ट हो जाती है, उल्का जो होती है जलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं, अगर ये जले ना, पूर्ण रूप से जले ही ना, ठीक है, पूर्ण रूप से जले ना, तो वो उल्का पिंड हो जाती है, क्या हो जाती है, उल्का पिंड, ठीक है, क्लियर। उल्का और उल्का पिंड एक ही होती है, लेकिन उल्का क्या होती है, जलकर नष्ट हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन ये उल्का जलकर पूरी तरह नष्ट नहीं बल्कि बुझ जाती है, ठीक है। तो ये उल्का पिंड किस श्रेणी में आती है, ठीक है, जो उल्का पूर्णतः जलकर, ठीक है, जलकर नष्ट नष्ट नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है, वे उल्का पिंड कहलाती है, वे उल्का पिंड कहलाती है, ठीक है, पिंड कहलाती है, क्या कहलाती है, उल्का पिंड कहलाती है, क्लियर। यहां तक चीजें, यानी जो और क्या करती है, इसका कुछ अंग आप लोगों ने देखा होगा YouTube पे ही ऐसे वीडियो है इंटरेस्टिंग, जिसे आप देखेंगे तो उसमें कहता है कि आसमान से कुछ ऐसे धूल के कण, ठीक है, धूल के कण गिर के पृथ्वी पर आती है, ठीक है। उल्का पिंड जब जलती है, ठीक है, जो पिंड जली हुई रहती है उसके जो छोटे कण होते हैं वो पृथ्वी पर आके गिर जाती है, हालांकि उनका वेग, ठीक है, और इनके कण, इनके कण, ठीक है, ग्रहों पर जाके गिरते हैं, पर जाकर गिरते हैं, ठीक है। एक बात यहां समझेंगे, जब तक ये जलेंगे तब तक वो अंतरिक्ष में रहेंगे, जलने के बाद वो क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं हमारे यहाँ। हालांकि ऐसी कम ही घटनाएं होती हैं, लेकिन भारत में बिहार में एक जगह पर गिरा था, ठीक है, ये उल्का पिंड गिरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं वहां पर, है ना, इतना स्पीड से गिरेगा कोई पिंड तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, पानी बन जाती है, झील बन जाता है, ठीक है, क्लियर आ तक चीजें। और हाँ, ये उल्का, ठीक है, उल्का पिंड, उल्का पिंड, पिंड पिंड मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः लोहा, ठीक है, लोहा निकेल, ठीक है, निकेल धातु की होती है, निकेल, निकेल, ठीक है, निकेल, निकेल यहाँ पर लिखा है, निकेल ही वैसे, ठीक है, निकेल धातु के होते हैं, ठीक है, धातु के होते हैं, क्लियर, ज्यादातर यही होते हैं मुख्यतः, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, ठीक। अब अगर बात करें हम लोग, हाँ, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, एक उल्का पिंड है, उसका नाम है होवा वेस्ट, ठीक है, होवा, होवा, होवा वेस्ट, ठीक है, होवा वेस्ट, होवा वेस्ट क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर
पूर्णतः नष्ट, हाँ ये पृथ्वी की सतह पर क्या हुआ था, मिला था, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग। यह पृथ्वी की सतह सतह पर मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा पुल का पिंड है, उसका पिंड है, ठीक है। यानी हुआ वेस्ट क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर गिरा था उल्का पिंड, उसी का नाम है, अभी तक इससे बड़ा नहीं गिरा, ठीक है। गिरे ना ही तो बेहतर है, क्योंकि गिरने से धन धन और जन मन क्या कहते हैं उसे, जन जान मान का नुकसान, हाँ ये होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे क्षुद्र ग्रह का, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में, तो उल्का क्या होती है, उल्का जो होती है जो ब्रह्मांड में जल के पूर्णतः नष्ट हो जाती है, ठीक है, जलते जलते चक्कर भी लगाती है उपग्रहों का और ये पूर्णतः नष्ट हो जाती है, उल्का होती है। और उल्का पिंड क्या होती है, जो पूरी तरह जल कर नष्ट नहीं होती है, पृथ्वी पर गिर जाती है या फिर उनके धूल के कण गिरते रहते हैं, ठीक है, उनके कण गिरते रहते हैं, तो ये उल्का पिंड होती है। अब तक का जो सबसे बड़ा उल्का पिंड वेस्ट है, जो कि पृथ्वी की सतह पर मिला, अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे का क्लास को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आज कुछ मैच मिसमैच हो रहा है, आप लोग बताइए, अगर मिसमैच हो रहा है तो वो ठीक है, कैमरे में प्रॉब्लम है इस वजह से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्षुद्र ग्रह का, क्या होती है क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होती है, ये कह सकते हैं ग्रहों के बीच में, ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, ग्रहों के बीच में छोटे छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं एक माइक्रो नहीं कह सकते हैं बहुत छोटा है ना, स्मॉल प्लेनेट इस प्रकार से तो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रहों के बीच में स्थित छोटे छोटे ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत सही, ठीक है। और इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या लगभग, ठीक है, लगभग 4500 है, और ये बृहस्पति के मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, बीच में है, ठीक है। ये ग्रह क्या है, मंगल और यानी मार्स एंड जुपिटर के मध्य में है ये ग्रह, क्लियर आता है चीजें। अगर हम बात करें सीरस का, ठीक है, सीरस या साइरस भी कहां कहां कहा जाता है, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं कहीं पर सीरस, कहीं कहीं पर साइरस, ठीक है, सीरस की यानी इसे, ठीक है, ये पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक चमकने वाला, हाँ सीरस, सर्वाधिक चमकने वाला क्षुद्र ग्रह, ठीक है, वाला क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है ये, सर्वाधिक चमकने वाला क्या है, सीरस, ठीक है, सीरस कह सकते हैं। तो ये क्या है, सर्वाधिक चमकने वाला, सबसे, हाँ सर्वाधिक चमकने वाला है ये उपग्रह, ठीक है, माफ कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह, क्लियर है, क्षुद्र ग्रह है, क्या है बच्चों, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब अगर मैं बात, ठीक है, हाँ, और एक बात यहां पर कह सकते हैं हम लोग, नग्न आंखों, आंखों ये दूसरी पॉइंट है, नग्न आंखों से देखे जाने वाले, ठीक है, नग्न आंखों से देखे जाने वाले क्या होती है बच्चों, क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं, फोरवेस्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह
को फोर वेस्टा, ठीक है, फोर वेस्टा, वेस्टा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फोर वेस्टा, यानी सबसे बड़ा, सबसे फोर वेस्टा क्या है, तो सीरस है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, हालांकि पेपर ही नहीं हो रहा तो क्या पेपर में, क्लियर, याद है चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें वहीं पर पुच्छल तारा, ठीक है, धूम केतु का, धूम केतु, ठीक है, धूम केतु को सभी लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है, इसकी पूंछ होती है पुच्छल तारा, ठीक है, क्या होती है, पुच्छल तारा। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुई है, जैसे जैसे खोज होती है वैसे वैसे हमारे किताबों में छपकर आती है, ठीक है, और हम उसके बारे में, तो जो चीजें आपको पता है ऐसे ही नहीं लिख दी जाती है, पहले उस पर शोध होगा, उसके बारे में अच्छे से जानकारी पूरी इकट्ठा करके फिर उसे किताबों में प्रिंट किया जाएगा, ऐसे आधा अधूरी जानकारी नहीं छापती है सरकार, ठीक है, हालांकि अब तो छाप देती है वैसे गलत करने के लिए, ठीक है। तो पुच्छल तारा यानी धूमकेतु क्या होती है, ऐसे तारे, ठीक है, ऐसे तारे कह सकते हैं, हाँ, ठीक है, वे प्रकाशवान, प्रकाशवान पिंड, ठीक है, तारा या पिंड, तारा या पिंड, ठीक है, प्रकाशवान जो जो प्रकाश उत्सर्जित करे, ये समझती है, ठीक है। तो वे प्रकाशवान तारा या पिंड जो जिसमें, ऐसे कह सकते हैं, जिसमें एक लंबी पूंछ, ठीक है, लंबी पूंछ निकली होती है, निकली है, होती है, उसे पुच्छल तारा कहते हैं, उसे पुच्छल तारा कहते हैं, क्लियर, यहां तक चीजें, यानी पुच्छल तारा कहते हैं जिसमें एक पूंछ निकली रहती है प्रकाशीय पिंड में या प्रकाशीय तारा में, क्लियर है चीजें, ठीक है। उनका कुछ भाग, ठीक है, हाँ, और ये क्या होती है, ये ठोस होती है, ठीक है, ये ठोस होती है पूरी की तरह, पूरी पूरी ये क्या होती है, ठोस होती है, ये वैज्ञानिकों का अनुमान है, ठीक है। और इनकी कुछ भाग, इनका कुछ भाग, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, इनका कुछ भाग, हाँ, इनका कुछ भाग नोट करेंगे, दिख नहीं रहा, कुछ भाग क्या करते हैं, कुछ भाग इनका उत्सर्जित करती, कौन कौन सा गैस उत्सर्जित करती है इसको देखेंगे, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया, मीथेन, मीथेन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, ऐसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, CO2 ऐसे करती है, CO2 उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, पुच्छल तारे क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, H4, ठीक है, हाँ, NH3, यानी H3 हो गया, मीथेन CH4 हो गया, ठीक है, ये उत्सर्जित करती हैं ये ग्रह, ये कह सकते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु, क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है। और हाँ, इनका पूंछ, यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, इनका पूंछ हमेशा वैसे सुन लीजिए, इनका जो पूंछ होता है, ठीक है, पूंछ निकला रहता है, इसीलिए पुच्छल तारा कहते हैं। तो वो पूंछ सूरज के विपरीत दिशा में होता है, क्या होता है, सूरज के विपरीत दिशा में, यानी इस प्रकार से ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पर वैसे समझ सकते हैं, ये सूरज है, प्यारा सा चुनुमुनु, और चुनुमुनु नहीं कह सकते, सूरज है, ठीक है, और ये मान लेते पिंड है, तो इसका पूंछ तो है ये इस साइड में होगा, ठीक है, इस साइड में ऐसे पूंछ निकला रहता है, हालांकि इसके इस साइड में नहीं, ठीक है, तो हमेशा इसके विपरीत दिशा में इसका पूंछ रहता है पुच्छल तारा का, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर लीजिए, ये जानकारी आपको समझना, और देखिए जो चीजें जाने ना उसको बताना लोगों को चाहिए, बिन पूछे नहीं, वैसे अपने छोटे भाई बहन को बताना चाहिए ताकि ज्ञान चीजों का, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें हेली धूमकेतु का, ठीक है, ये हेली धूमकेतु क्या है, धूमकेतु क्या होती है, माफ कीजिएगा, हाँ, धूमकेतु क्या होती है, पुच्छल तारा, ठीक है, तो हेली धूमकेतु, हेली क्या है, एक धूमकेतु है, धूमकेतु, ये धूमकेतु क्या करती है भैया, इसको देख लेते हैं, ये प्रत्येक 76 वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 76, ठीक है, वर्ष पर दृष्टिगोचर, ठीक है, दृष्टिगोचर, गोचर,
होती है, यानी प्रत्येक 76 साल पर ये हमें दिखाई देती है। अब ये कैसे अनुमान, दो तीन बार वैज्ञानिकों ने ऐसा सोच में पाया कि पिछली बार 1900, ठीक है, पिछली बार कितने में, पिछली बार, पिछली, ओह वो ये भी ना, पिछली बार, जब 1986, ठीक है, 1986 में देखा गया, ठीक है, जून 1986 में देखा गया। और अब की बार किसमें देखा जाएगा सर, 1962 में, ठीक है, अब की बार, अगली बार, ठीक है, अगली बार कितने में देखा जाएगा, 262, ठीक है, अब की बार यहाँ रहना चाहिए थी, अब की बार शैलेश सरकार है ना, 2062 में देखी जाएगी। तब तक हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, है कि नहीं, जाएगी, और जो बच्चे रहेंगे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। तो प्रत्येक 76 साल पर ये हमें दिखाई देती है। पिछली बार 1900 जून 1900 किसने में दिखाई दिया था, 1986 में, और अब की बार दिखाई देगा 2062 में, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही, देखिए कौन जीवित और मृत्यु के शैया पर रहेगा, जो जीवित रहेगा, जो मर जाएगा वो क्या देखेगा, है ना। तो ये चीजें कल से हम लोग कल जानेंगे सौरमंडल के बारे में, उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड के बारे में आपको समझ में आया होगा, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती है, हालांकि बहुत चीजें होती है, उनके बारे में समझने में बहुत टाइम लगेगा, जो मेन चीजें उन्हें जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है, ये चीजें सभी को पता होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।